धन्यवाद धन्यवाद उपसभापति जी। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है जो राष्ट्रपति की स्पीच मैंने पढ़ी उसमें ऐसा लगता है कि जैसे सब मंत्रालयों से एक फॉर्मल जो इनपुट आ जाता है जो ब्यूरोक्रेटिक, उन्हीं को लगता शामिल करके इस बार का भाषण बना दिया गया। जैसा कि नेता विपक्ष ने भी कहा था कि पिछली बार राष्ट्रपति के भाषण में जो बिंदु थे आज वो सारे बिंदु गायब है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो चुनाव में वादे किए गए थे उनमें से एक का भी उस ढंग से जिक्र नहीं किया गया जिस ढंग के जिक्र होने चाहिए थे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि उसमें था कि जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कहा गया था कि साहब इस सरकार के आते हमारी सरकार आई तो महंगाई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, महंगाई पर काबू हो जाएगा। आज वो स्थिति नहीं। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए तो विश्व बाजार में $115 से घटके $40 तक आ गए, लेकिन उस हिसाब से आपने पेट्रोल और डीजल में जो कमी होनी चाहिए थी नहीं की। ₹40 का पेट्रोल होना चाहिए था, ₹32 लीटर डीजल होना चाहिए था, फिर भी चलो मैंने मान लिया कि आपको ऑयल कंपनीज का ख्याल रखना है, तो कम से कम जितना कम किया था उसके मुकाबले उन चीजों के दाम तो लोग कम करते। होता क्या है कि जब बढ़ता है ₹2 तो दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप सरकार घटाती है तो वो दाम नहीं घटाते हैं। वो मैकेनिज्म आपको पैदा करना चाहिए कि जैसे दाम घटे वैसे लोगों पर दबाव बने कि वो सामान और चीजों के दाम भी कम करें, कमोडिटी के दाम कम करें, जो सामान उन वस्तुओं के दाम कम करें, किराया कम किया जाए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से महंगाई जो त्यों रहती है और सरकार के एफर्ट्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तो उस तरह पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा वादा था कि रूपी को डॉलर के मुकाबले 40 पे ले आएंगे, लेकिन आज भी रूपी जो है 61 और 62 के बीच में घूम रहा, कई बार 62 से ऊपर चला जाता है और वो कम नहीं हो रहा। इस तरफ भी सरकार की जो विफलता है उस पर ध्यान देना चाहिए। सस्ता रेल और जहाज किराया हो जाएगा, जब डीजल के दाम कम हुए तो ऑब्वियसली रेलवे के फेयर्स भी कम करने चाहिए थे, जहाजों के फेयर्स भी कम होने चाहिए थे। रेल के फेयर्स कम तो नहीं हुए, ये कहा बढ़ाए नहीं जाएंगे आज के उसमें, लेकिन ये कम करने चाहिए क्योंकि डीजल का दाम बहुत गिर गया। और जहाज किराए का तो मानोवर ये हाल है कि जो ATF होता है, जो जहाज में जो एयर टर्बो फ्यूल होता है, उसके दाम तो बहुत गिरे लेकिन अनाप शनाप दाम जो है वो एयरलाइंस चार्ज कर रही हैं। यहाँ से लखनऊ तक का 30-30 हजार लिया जा रहा, बॉम्बे के 50-50 हजार, कहीं के कुछ भी किराए लिए जा रहे हैं और इन पे कोई रोक नहीं है, और उससे आम आदमी बहुत ज्यादा मध्यम वर्ग आम आदमी परेशान है। इसलिए इन किराओं पर नियंत्रण करना चाहिए। काला धन की बात सबने बोली, उसको मैं दोहराने की जरूरत नहीं कि उस पर कुछ प्रगति नहीं हुई। ये था कि अगर हमारी सरकार आई तो 1 महीने के अंदर चीन से सब अपनी जमीन वापस ले लेंगे, लेकिन चीन से जमीन लेना तो दूर रहा, करीब 6 किलोमीटर चीन ने हमारी और जमीन अंदर आके कब्जा कर ली। एक बात आई कि अगर हमारी सरकार आई तो दाऊद इब्राहिम को 15 दिन के अंदर भारत की जेलों में होगा। ना दाऊद अभी तक आए और ना इब्राहिम आए हैं, यहाँ जो है 9 महीने पूरे होने आ रहे हैं। इसी तरह से था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, लेकिन मैं पता नहीं ये वादा क्यों कर दिया था, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी है कि मुझे लगा कुछ प्रयास होगा, लेकिन जगह जगह बिजली की कटौती उसी तरह से चल रही है और कहीं भी जो है बिजली में किसी किस्म की राहत लोगों को नहीं मिल रही है। और विकास की जहाँ तक बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रयास हो सकता हो रहा हो, लेकिन सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं। मुझे जैसा पता चला सैकड़ों फाइलें हर मंत्रालय में पेंडिंग पड़ी, उन पर निर्णय नहीं हो रहा है। एक बहाना कर दिया जाता है, अखबारों में छपाया जाता है, कितना सही कितना गलत, कि साहब मंत्री प्रधानमंत्री से बहुत डरते हैं इसलिए फैसला नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है ये मिथ, ये प्रधानमंत्री का हुआ देखा, प्रधानमंत्री क्या शेर चीता बगर्रा क्या है कि उनसे सारे लोग डरे हुए हैं, कि उस डर से कोई काम नहीं कर रहे। सैकड़ों फाइनल डिसीजन के लिए पेंडिंग है हर मिनिस्ट्री में, क्यों रुकी हुई है, क्या वजह है, क्या बात है? और ये कि साहब मंत्री बेचारों कुछ मत को, मंत्री तो बहुत ही डरे हुए कि उनकी तरफ देख भी देते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये जो है कहीं ना कहीं इस चीज को तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं मानता मंत्रियों को किस चीज का डर है, तो ये या तो बहाना है काम न करने का कि सब प्रधानमंत्री के मत्थे पर पड़ दो, और या फिर अगर ऐसा है तो इसको भी दूर करना चाहिए कि ये बात नहीं होनी चाहिए कि भय का वातावरण रहे। और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का वादा किया गया था, उस तरफ बिल्कुल कोई काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो है मानवर जो नीति आयोग, मैं चूंकि मुझे लगता है कि जो मैं आखिरी मेरे ख्याल से योजना मंत्री था उस योजना आयोग का, क्योंकि उसके बाद तो नीति आयोग हो गया, योजना आयोग भंग हो गया, तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष जी बहुत इतिहास में रह गए। हाँ, बहुत बड़ा काम था।
कितने भी आप उसकी आलोचना करिए, लेकिन वहां से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो मॉनिटरिंग होती थी, प्रोजेक्ट जिस तरह से बनाए जाते थे, सैंक्शन किए जाते थे, जिस तरह से ये उसके लिए पैसा एलोकेट होता था नई नई स्कीम्स के लिए, वो सारा काम ठप हो गया। आप एक थिंक टैंक बन के रह गया जिसका कोई असर नहीं। पहले वित्त मंत्रालय योजना आयोग की सुनता था, अब वित्त मंत्रालय नीति आयोग की कुछ नहीं सुन रहा, क्योंकि नीति आयोग का कोई भूमिका कोई रोल नहीं रह गया। इसलिए मेरा मानना है कि नीति आयोग को वापस जो योजना आयोग के कम से कम अधिकार थे वो देने चाहिए, और राज्यों के ऊपर जो एक चुनाव ये योजना आयोग का ये था कि उनकी उनको योजनाएं बना के देती थी, उनका प्लान आउटले बना के देते थे, वो सब काम खत्म हो गया। और अब तो आपने फाइनेंस जो नया वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, उसने तो 47% सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का उनको देने का फैसला किया। इतनी बड़ी रकम राज्यों को जाएगी और अगर उसको योजनाबद्ध तरीके से खर्च नहीं किया गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि योजनाबद्ध तरीके से फ्लेक्सिबल स्कीम्स हों या उनकी स्कीम, आप फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए, 10% नहीं 20% 30% फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए उनको खर्च करने में। लेकिन अगर उनको हम इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल छोड़ देंगे और योजना आयोग उसको बना के नहीं देगा तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। इसलिए नीति आयोग या योजना आयोग जो भी नाम रखिए, लेकिन उसको पुराने वाले योजना आयोग के धरने पर ही वापस लाना चाहिए। वीजा ऑन अराइवल जब मैं था प्लानिंग मिनिस्टर तो मेरा इनिशिएटिव था, जिसका सब जगह नई सरकार क्रेडिट ले रही, जिस देश में भी जा रही कि हमने वीजा ऑन अराइवल इस देश को दे दिया। वो पूरा मैंने खुद बैठ के 4 मीटिंग्स में कराया था बैठ के, बहुत अच्छा निर्णय था। लेकिन हमने 182 देशों के बारे में निर्णय लिया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 42 देशों का हुआ है। नहीं नहीं सर, अभी तो आप तो मेरे 20 मिनट है, हमने काम 12 मिनट में खत्म कर दें। नहीं कल नहीं, मैं हूँ नहीं, आप दो आपने आप, कल तो हो गई ही बस, आप तो 2 तारीख को होगी पर हाउस उठना चाह रहा है ना, हाउस हाउस लोग पे होता टिल द टिल द स्पीच इज कंक्लूड नहीं टिल टिल हां टिल द स्पीच इज कंक्लूडेड ऐसे मत नहीं ले करेंगे अभी, है ना। मैं बस इतने इतने जल्दी हम नहीं, अभी अपन समय समय है ना, नहीं मेरा 20 मिनट है, बोलने दीजिए, मेरा 20 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट भी कांग्रेस का बाकी है, क्या बात कर रहे हैं, है ना। वीजा ऑन अराइवल वाली फैसिलिटी 182 कंट्रीज के लिए सैंक्शन हुई थी, जो हमने पूरी मीटिंग करा के सब खत्म कर, लेकिन सिर्फ 42 देशों में आया। तो मुझे लगता है कि उसको बढ़ा के जो है करना चाहिए। इसी तरह किसानों को जो है फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, उसकी यूरिया की सब्सिडी, वो जो है उसका व्यवस्था करानी चाहिए, उसकी वजह से किसान बहुत जो है बेहाल है। और हम ये बात नहीं कहते, इन सब लोगों ने ये करके रखा कि साहब जो है कटरा उधमपुर हो या मंगलयान हो, आईएनएस कलकत्ता हो, वीजा ऑन अराइवल हो, सबका क्रेडिट ही सरकार लेगी, हैं, जबकि वो काम यूपीए सरकार थे। मैं इस मामले में रोने गाने का काम नहीं करता, ये हमेशा होता है कि कोई एक सरकार जब आती है तो पिछली सरकार के किए हुए काम का वो एडवांटेज लेती है, उस पर हम रोने धोने का काम नहीं करते। लेकिन ये कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो सरकार बन गई है वो जरा सोचना चाहिए कि हर चीज पर ऑर्डिनेंस ले आना उचित नहीं, विपक्ष को साथ में लेकर विचार विमर्श करके ही होना चाहिए। अब मैं अगर इस पर नहीं बोलूंगा, एक आदर्श ग्राम योजना घोषित हो गई, लेकिन आदर्श ग्राम योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे कैबिनेट मिनिस्टर तो एक रहना चाहिए, कला जी कहां जा रहे हैं हम? आदर्श ग्राम योजना जो है उसके लिए हो गया, हम सब लोगों ने गांव भी अडॉप्ट कर लिए, लेकिन पैसा और धन की व्यवस्था कहां से होगी अभी तक पता नहीं चल रहा, ये बहुत एक गंभीर चीज है। सेक्युलरिज्म का जहां तक मामला है, सब लोगों ने अपनी बात डाली, मैं इतना ही कहता हूं कि इस तरह की चीजें सचमुच जो है माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब लव जिहाद की बात हुई, बॉलीवुड से हमारे मंत्री जी भी हैं, है? लव जिहाद की बात हुई, उसमें बॉलीवुड के बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, हमारे शांताराम नाइक जी भी उसका जिक्र कर रहे थे कि करीना कपूर, इन सबके नाम लिए देंगे। अब अगर मैं आपको काउंटर पढ़ दूं, तो काउंटर अगर पढ़ दूं तो उसको क्या कहेंगे? लव पाणिग्रहण संस्कार, लव पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। ऋतिक रोशन की शादी किससे हुई? सुजान खान से। मनोज वाजपेयी की शादी किससे हुई? शबाना रजा से। किशोर कुमार की शादी किससे हुई? मधुबाला से। सुनील दत्त की शादी किससे हुई? नरगिस से। कमल जीत की शादी किससे हुई? वहीदा रहमान से। संजय दत्त की शादी किससे हुई? दिलनवाज खान उर्फ मान्यता से। कुणाल खेमू अभी सोहा अली खान से। सुभाष गई की शादी रेहाना से। आदित्य पंचोली की शादी जरीना बहाब से। विवेक अग्नोत्री और जो और ये जो सलमान खान की दोनों बहनें, एक विवेक अग्नोत्री को ब्याही है, एक हमारे राज्यसभा सदस्य अनिल शर्मा होते थे पंडित सुखराम के बेटे, उनके बेटे को ब्याही है। और भाजपा के नेता अगर देखें एमजे अकबर साहब, उनकी बहन गजाला जी लोकेश शर्मा को ब्याही। तो ये तो चलता रहता समाज में, इसको क्या हम लव पाणिग्रहण कहें क्या? अगर वो लव जिहाद है, हर चीज का एक काउंटर आर्गूमेंट होता है। इसलिए समाज में एक सामाजिक समरसता रखनी चाहिए और उसी को लेके हम आगे बढ़े
तभी सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। अगर बीच बीच के बयान ही होते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया बोलने का। थैंक यू मच।